हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 11.1। सो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड अ लाइन सेगमेंट्स ए बी। ए बी आपको इसकी लेंथ गिवन दी हुई है, वो दी हुई है आपको इसकी 5.7 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी। आपको एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करनी है, वो किसके पैरेलल होनी चाहिए? ए बी के पैरेलल। सो पहले मैंने क्या करा, ए से बी से मैंने क्या करा, 5.7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद मैंने एक आउटसाइड पॉइंट डाला पी। फिर मैंने क्या करा, एक पॉइंट मैंने ए और बी के मिड पॉइंट में मैंने क्या करा, हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ करा, एक आर्क लगा के एक लाइन स्ट्रेट करी, वो मैंने मीट करा पॉइंट को पी से। सेम एज वहीं पर मैंने पी पॉइंट पर कंपास रखा, उसकी पॉइंट रखी, एक सेमी सर्कल बनाया, एक वहाँ से भी मैंने क्या करी, एक आर्क लगाई जो मेरा यू पॉइंट से। फिर मैंने एक और आर्क लगाई, फिर हम वहाँ मुझे एक पॉइंट मिला क्यू, तो मैंने क्या कर दी, लाइन को मैंने स्ट्रेट कर दिया। सेम फिर मैंने क्या करा, उसी अकॉर्डिंग हम इसके स्टेप्स को कंस्ट्रक्ट करते हुए चले गए, मतलब लिखते हुए चले गए। जो आपके पास ये स्टेप्स गिवन है, ये आपको अपने आप एज इट इज़ ही आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट डाउन कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन ए बी हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर बिटवीन द लाइन। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक ड्रॉ करनी है पैरेलल लाइन, उनका जो बीच का डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 4 सेंटीमीटर का। सो नीचे वाली लाइन आप कितनी भी सेंटीमीटर ले सकते हो, बट जो जो उसका डिस्टेंस है वो आपको 4 सेंटीमीटर का रखना है। आपने बस क्या करा कि ए पॉइंट पे आपने क्या करा, एक सेमी सर्कल बनाया, वहाँ से आपने जितना कंपास आपने थोड़ा सा ओपन सेमी सर्कल का बनाया उतना ही ओपन करके आपने दो आर्क लगाई, उसके हाल से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया। फिर आपने क्या करा, जो एक्स पॉइंट है वहाँ से आपने 4 सेंटीमीटर मेजर करा और एक आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की। सेम आपने ऐसे ही वाई पॉइंट से करा, आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की, 90 डिग्री का एंगल बनाया और ऊपर वाली जो पॉइंट है आपका सी और डी उसको लाइन को मीट कर दिया। पी और क्यू आपको कोई भी नाम दे सकते हो, बस ये क्या हो गया, हमारी पैरेलल लाइन हो गई है। सो इसकी हेल्प से हम इसके कंस्ट्रक्शंस को हम इसके लिख सकते हैं। आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, इसके कितने भी आप इसके स्टेप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर थ्री है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ अ पैरेलल लाइन 4.8 सेंटीमीटर अपार्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है कि उसका 4.8 सेंटीमीटर, उसका ईच पार्ट कितना होना चाहिए, 4.8 सेंटीमीटर। सो आपने नीचे वाली लाइन भी कितनी लेनी है, 4.8 सेंटीमीटर, और आपने जो इसका डिस्टेंस बीच में रखना है वो भी कितना होना चाहिए आपका, 4.8 सेंटीमीटर। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर टू आपने करा था, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, बस इसमें आपने क्या रखना है, हर एक डिस्टेंस इसका कितना होना चाहिए, 4.8 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से आप आर्क लगा के इसको बना सकते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन आपको गिवन है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ अ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट एक्स एनी वेयर आउटसाइड सेगमेंट पी क्यू, कंस्ट्रक्ट अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू सेगमेंट्स पी क्यू। आपने बस वही करना है, पी क्यू लाइन ड्रॉ करनी है, इसी की हेल्प से आप क्या करोगे, एक सेमी सर्कल बनाओगे एक पी क्यू के बीच में, और उससे आप क्या करोगे, एक आउटसाइड, उसने बोला कि आप एक आउटसाइड का अपने पॉइंट रखना है क्या, एक्स एनी वेयर कहीं भी। सो आपने उसकी हेल्प से क्या बनाना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर वन करा था, सेम एज क्वेश्चन नंबर फोर भी आपका ऐसे ही है, और इसकी आपने क्या करनी है, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ये आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन है कि आपने इसको कैसे कैसे ड्रॉ करा है। इलेवन पॉइंट टू, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.2। 11.2 में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल आपके पास 5 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास 6.5 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। मेजर करना है आपने एंगल बी, किसका एंगल बी आपका कितना होगा। इसमें आपको सारी साइड्स के मेजरमेंट्स गिवन है, बस उसकी हेल्प से आपने क्या बनाना है, इसका ट्रायंगल बनाना और आपको बता देना है इसका एंगल बी क्या होगा। सो आपने क्या रखा, बी सी मैंने रखा है इसमें 6.5 सेंटीमीटर, और मैंने बी पॉइंट पे रखा और मैंने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, एंड सी पॉइंट पे रखा मैंने 7.6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और मैंने इसको मेजर करा कि एंगल बी मेरा कितना है, 80 डिग्री। सो इसी की हेल्प से मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दी है। इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी ये। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, इसका कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर, लेंथ ऑफ ईच साइड्स बीइंग 4.8 सेंटीमीटर। अब इसने बोला कि उसकी ईच लेंथ क्या है, उसकी 4.8 सेंटीमीटर। सो हम बस क्या करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, 4.8 सेंटीमीटर की हमने क्या करा, पी और क्यू पे रख के आर्क लगा दी और सभी पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, मीट कर दिया। सो उसी अकॉर्डिंग हमने क्या करा, इसकी कंस्ट्रक्शन को भी हमने राइट कर दिया। ये इसकी कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन सीक्वेंस पी क्यू इज अ 4.8 सेंटीमीटर। सो वही सेम है जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी ये कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्कियल्स ट्रायंगल विद द बेस 5 सेंटीमीटर है एंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड्स बीइंग 6.2 सेंटीमीटर। आइसोस्कियल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि उसकी ई साइड्स क्या होती हैं, सिक्स सेम होती हैं। आपके पास उसने बोला है कि बेस इसका 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ई साइड्स कितनी है, उसकी 6.2 सेंटीमीटर है। सो इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हुए गए हम, एंड आगे हमने क्या करा, पहले हमने इसी क्या कर दिया, पहले कंस्ट्रक्शन लिख दिया, और या तो आप पहले फिगर बना दिया कंस्ट्रक्शन लिख दो। बात एक ही है, हमने बेस हमारा गिवन था 5 सेंटीमीटर और उसने ई साइड बोली थी 6.2 सेंटीमीटर। सो ए और बी पॉइंट पे हमने रख के आर्क लगा के उसका फिगर ड्रॉ कर दिया 6.2 सेंटीमीटर, और लाइन को हमने क्या कर दिया, मीट कर दिया। हमें पॉइंट क्या मिल गया, सी। क्वेश्चन नंबर फोर है इसका, कंस्ट्रक्ट आर ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल है 5 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल है 6 सेंटीमीटर, वट टाइप ऑफ आर ट्राइंगल इज दिस। ये बताना है कि आपको ये किस टाइप का ट्राइंगल होगा। सो मैंने क्या करा, मैंने नीचे ले लिया ए बी, मैंने लिया कितना 4 सेंटीमीटर, ए से मैंने आंख लगाई 6 सेंटीमीटर की एंड बी से मैंने आंख लगाई 5 सेंटीमीटर की। फिर हमने क्या करा, जो हमें पॉइंट मिला उन लाइनों को मिला दिया, और हमें पॉइंट क्या मिला इसका, सी। सो ये ट्राइंगल होगा हमारा स्केलन ट्राइंगल। सो इसकी ये हमारी इसकी क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन नंबर फोर की। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज पैरामीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड रेशियो ऑफ इट साइड्स इज 1:2:3। सो पैरामीटर आपके पास 12 गिवन है, साइड्स आपके पास गिवन है 1:2:3, एंड पैरामीटर्स को आपने क्या मान लिया, इस पैरामीटर इक्वल टू साइड्स। सो ये आपने कर लिया क्या, एक्स 2x प्लस 3x, एक्स में कन्वर्ट कर दिया इसको। इन सबको ऐड करने पे क्या आया आपका 6x। अब जो x की वैल्यू 6 के साथ थी उसको अपने 12 के साइड में लेके वो हो गया उसका डिवाइडिंग, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। बस आपने क्या करा, x एक x की वैल्यू आपके पास 2 आई, x की वैल्यू आपने क्या क्या करा, जब आपके पास रिच साइड्स की वन थी उसमें आपने x को माना था, तो वहाँ पे आपने x की वैल्यू पुटअप कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 और 6। अगर आप इसका ट्राइंगल बनाओगे, मतलब कोई भी इसको बनाओगे, तो वो आपका एक दूसरे के साथ मीट नहीं होगा। सो आप इसको लिख सकते हो, नोट वी कैन नोट कंस्ट्रक्ट आर ट्राइंगल हुज पैरामीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड रेशियो इज साइड्स ऑफ आर 1, 2, 3 बिकॉज द आर्क आर नॉट मीटिंग विद एन वन अनदर। हमने इसका ट्राइंगल बनाने की कोशिश करी थी, बट हमारी आर्क जो है वो एक दूसरे के साथ मीट नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंस्ट्रक्ट आ ट्राइंगल ए बी सी साइड ए बी इक्वल है 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल आपके पास 4.8 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल है आपके पास 5.6 सेंटीमीटर। ड्रा एक्स वाई पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू अ वर्टेक्स ए। उसने बोला है कि आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और उसका जो है आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल एक्स वाई, वो किससे पास होती है, चले वर्टेक्स ए से। सो मेरे पास ए बी कितनी है 6 सेंटीमीटर, बी सी मेरे पास 4 सेंटीमीटर, सी ए मेरे पास 5.6 सेंटीमीटर। सो मैंने ए बी लाइन ड्रॉ करी है 6 सेंटीमीटर, बी पॉइंट से मैंने रखा 4.8 सेंटीमीटर की आंख लगाई, एंड सी ए पॉइंट से रखा मैंने 5.6 सेंटीमीटर की आंख लगाई। अब उसने बोला था कि आप एक एक्स वाई पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करो। सो मैंने क्या करा, एक हाफ सेमी सर्कल बनाया, आंख लगाई, और मैंने क्या करा, ए से ए पॉइंट से ले जाते हुए मैंने एक पैरेलल लाइन इसको ड्रॉ कर दिया। सो इसके ये स्टेप्स हैं हमारे। इसके 8 स्टेप्स हैं जो आपने पूरे के पूरे लिखने हैं। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3। 11.3 है एक्सरसाइज है मेरी, इसमें पहले वाली एक्सरसाइज में आपने बताए थे तीनों साइड्स का, इसमें आप बताओ कि दो साइड्स आपके गिवन होंगे और एक एंगल आपको पास इसमें गिवन होगा। सो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल है 5.4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल है 6.3 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल है आपके पास 60 डिग्री। सो बी सी मैंने क्या ड्रॉ करी 6.3 सेंटीमीटर, बी के पास मैंने क्या बनाया एक एंगल बनाया 60 डिग्री का, और मैंने क्या करी बी पॉइंट से लेके मैंने 5.4 की आंख लगाई, और ए पॉइंट वहाँ पे मिला मुझे एक पॉइंट मिला, और ए से मैंने सी तक क्या कर दिया उन दोनों को मिला दिया। सो उसी के हाथ से मैंने क्या करा, जैसे जैसे मैंने इसको कंस्ट्रक्ट करा और उसको मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन भी लिख दी।
सेम एज क्वेश्चन नंबर टू भी बिल्कुल इसका सेम ही होगा, इसमें बस हमारे पास डिफरेंट पॉइंट होंगे और उसी अकॉर्डिंग आपने बनाना है इसको। कंस्ट्रक्ट है ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर है आपके पास कितना 4.6 सेंटीमीटर, आर पी है आपके पास कितना 5.8 सेंटीमीटर, एंड एंगल पी क्यू आर, एंगल आर आपके पास कितना कितना 45। सो बस आपने पहले इसकी कंस्ट्रक्शन करोगे ड्रॉ, मतलब आर पी आपने ली इसकी 5.8 सेंटीमीटर, एंगल कितना बनाना है उस पर 45 का एंगल बनाना है, और उसने बोला आर पी, आर पी आपके पास कितनी है इसकी 5.8 सेंटीमीटर, 4.6 सॉरी क्यू आर आपके पास 4.6। तो आपने बस क्या कर दिया, एक आर्क ड्रॉ करी और उससे क्या करा आपने पॉइंट्स को मिला दिया। सो ये हो गया आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन। नाउ द स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल डी ई एफ इन आर, डी ई 6.2 सेंटीमीटर, ई एफ है आपके पास 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ई आपके पास 120। सो इसकी याद से बस मैंने क्या करा, ई एफ मैंने लिया 5 सेंटीमीटर, इसमें मैंने क्या बनाया एंगल 120 का एंगल बनाया, एंड 6.2 की आग लगाई, और एफ और क्यू को हमने क्या कर दिया मीट कर दिया। ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे इसका, कंस्ट्रक्ट आर ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई जेड इक्वल है 4 सेंटीमीटर, एक्स जेड इक्वल है 5.2 सेंटीमीटर, एंड जेड इक्वल है आपके पास 90 डिग्री। सो मेरे पास जो साइड्स की बनती थी उसी के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, फिगर ड्रॉ कर दिया। एक्स वाई एक्स जेड लिया मैंने 5.2 सेंटीमीटर, एंड उसने बोला था कि जेड क्या है आपका 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का मैंने एक एंगल बनाया जेड पे, और फिर उसके बाद उसने बोली थी वाई जेड, वाई जेड आपने इस जेड पॉइंट पे रखा और 4 सेंटीमीटर की आग लगाई और एक्स और वाई को मीट कर दिया। सो ये हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट आर ट्राइंगल एल एम एन इन विच एल एम इक्वल 3.5 सेंटीमीटर, एम एन आपके पास 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल एम है आपके पास 30 डिग्री। सो हमारे पास पहले मैंने क्या ड्रॉ करा, एम एन मैंने ली 5 सेंटीमीटर, और मैंने क्या बनाया एंगल सॉरी एम पॉइंट पे मैंने क्या बनाया 30 डिग्री का एंगल बनाया, और यहाँ से मैंने 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, एम पॉइंट पे रखी और लाइन क्या कर दिया ड्रॉ कर दी एक दूसरे के साथ, एल और एम वाली लाइन मीट कर दी एक दूसरे के साथ। ये इसके स्टेप्स। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.4। 11.4 में आपके पास दो एंगल होंगी और एक साइड होगी। सो कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन द ट्राइंगल ए बी सी हूज बेस बी सी इक्वल 4.8 सेंटीमीटर, एंड द बेस ऑफ द एंगल है आपके पास 40 और 60 डिग्री, 45 एंड 60 डिग्री का एंगल। सो हमने स्टार्ट करा है इसका, हमने पहले लिया क्या बी सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, एंगल बी पी मैंने बनाया 45, एंगल सी पी बनाया मैंने 60 डिग्री का एंगल, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और हमें पॉइंट क्या मिल गया वहाँ पे ए। ये इसकी हमारी इसकी हेल्प से हमने क्या लिखा है इसकी कंस्ट्रक्शन को, हमने इसको लिख दिया। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल हूज हाइपोथेनियस इज 6.5 सेंटीमीटर, एंड वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज मेजर 30 डिग्री, एंड हाइपोथेनियस 6.5 सेंटीमीटर, वन एक्यूट एंगल इक्वल टू 30 डिग्री, और एक क्या बोला उसने वन राइट एंगल बोला है, तो वन राइट एंगल हमने एक्स पे बनाया और वाई पे हमने बनाया इसका 30 डिग्री, दोनों का हमने क्या कर दिया 30 वाले से हमने 6.5 सेंटीमीटर की आंख लगाई और लाइन को हमने क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंस्ट्रक्ट आर ट्राइंगल पी क्यू आर विद पी क्यू के आपके पास 3 सेंटीमीटर है, एंगल पी आपके पास 30 है, एंगल आर आपके पास 60 है। सो आपने क्या लिया, पी आर आपने लिया कितना 5 सेंटीमीटर, एंड आपने क्या करी एक लाइन ड्रॉ करी, आपने पी और आर आपने क्या ले ली 30 एंड 60 डिग्री, इसकी हेल्प से आपने क्या करा एंगल्स को ड्रॉ कर दिया, और आपने क्या करा ये क्या कर दिया इसने, इसमें बस आपने क्या करना है, आपने लाइन लेनी थी 3 सेंटीमीटर की पी क्यू, और आपने पी और आर पे क्या बनाना था एक एंगल ड्रॉ करना था, और उसकी हेल्प से आपने बस क्या करनी थी इसके पॉइंट ड्रॉ कर देने थे। ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी सी इक्वल 6.4 सेंटीमीटर, एंड एंगल बी ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंड एंगल सी आपके पास 45। सो हमने इसके आगे बस हमने क्या करा, हमने 6.4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ली, एंड 30 डिग्री हमने क्या बनाया इस पर एंगल, और 45 को हमने एंगल बनाया और लाइन को हमने क्या कर दिया एक दूसरे के साथ ड्रॉ कर दिया। ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव, स्टेट द केस इन विच द ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉ अ गिवन रीजन एंड जस्टिफाई योर आंसर।
ए बी आपके पास 4 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास 8 सेंटीमीटर एंड सी आपके पास 2 सेंटीमीटर। सिंस ए बी प्लस सी ए लेस देन है किसके, बी सी के, सो हेयर वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्राइंगल। एंड बी सी आपके पास, बी पॉइंट है, बी सी आपके पास 5.2 सेंटीमीटर है एंड एम, एंड एम एंगल बी आपके पास 90 है, एंगल सी आपके पास 110 है। सो एम एंगल बी प्लस एंगल एम सी 90 प्लस 110 विच इज़ नॉट अ पॉसिबल एज एम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी देन इक्वल टू 180 डिग्री। सो हेयर वी कैन नॉट ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो ड्रॉ अ ट्राइंगल। एक्स वाई आपके पास 5 सेंटीमीटर एंड एंगल एक्स आपके पास 45, एंगल वाई आपके पास 60। सो हमने क्या करा, ट्राइंगल ड्रॉ करा, एक्स पे बनाया हमने 45 का, वाई पे बनाया हमने 60 डिग्री का, और हमने क्या कर दिया, इसके हमने पॉइंट्स को क्या कर दिया, मेजर कर दिया, सॉरी मीट कर दिया, और ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.5। इसमें क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज, मेजर करना है आपने 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड मेजर करोगे आप 3.2 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज आपके 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड है इसकी 3.2 सेंटीमीटर। तो उसको हमने ले लिया ए बी इसका बेस एंड ए पॉइंट पर मैंने बनाया इसका राइट एंगल ट्राइंगल, बी पॉइंट से रखा तो हाइपोटेन्यूज की आंख लगाई 5 सेंटीमीटर की और लाइन को हमने क्या कर दिया, मीट कर दिया। सो ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर टू, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एंड पी आर इक्वल 6.3 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आपके पास 3.4 सेंटीमीटर, पी आर 6। सो हमने बस क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर हमने राइट एंगल बनाया और हमने 6.3 सेंटीमीटर की आग लगाई और लाइन्स को क्या कर दिया, मीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन एंड आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड हेयर एंगल सी इक्वल है 90 डिग्री एंड ए सी इक्वल है 5.8 सेंटीमीटर, ए सी आपके पास है 5.8 सेंटीमीटर एंड एंगल सी आपके पास 90 डिग्री एंड ए बी आपके पास 5.8 सेंटीमीटर। सो स्टार्ट करा हमने, ए सी हमने लिया 5.8 सेंटीमीटर, सी पे हमने क्या बनाया 90 डिग्री के एंगल, ए पॉइंट से हमने क्या करा 5.8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करी, आर्क लगा के लाइन को मीट कर दिया। एंड कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल एक्स एक्स वाई है आपके पास कितनी 5.2 सेंटीमीटर, वाई जेड आपके पास 7.9 सेंटीमीटर, लाइन ड्रॉ करी एक्स वाई, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया और हमने क्या करा, वाई पॉइंट से 7.9 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई और लाइन को क्या कर दिया, मीट कर दिया, और ये हो गया हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन राइट एंगल एट एम, एल एन है आपके पास 5.9 सेंटीमीटर, एल एम आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। सो हमने क्या लिया, एल एम 3.5 सेंटीमीटर, सो एल हमने क्या बनाया, एम पे 90 डिग्री के एंगल बनाया, 5.9 सेंटीमीटर की हमने आंख लगी और लाइन को क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ मीट कर दिया। सो ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन।